India climate, vegetation and wildlife. Student, today we shall clear the final part video, that is part 6 of this chapter, and today we shall know about the last and final topic, that is wildlife. Student, wildlife means the life or the living things which we see or which we find in the forest. अर्थात wildlife से हमारा तात्पर्य वन्य जीवन, अर्थात वन में जो पाए जाने वाले जीव हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना है, उनके बारे में जानना है. यू नो इंडिया, इंडियन फॉरेस्ट आर द होम ऑफ वराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज. अर्थात जो भारत के जो जंगल है, वन है, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर वन्य जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं. नॉट ओनली वी हैव द प्लांट और फ्लोरा स्पीसीज बट ऑल्सो वी हैव द फौना, इट मीन्स द एनिमल स्पीसीज. स्टूडेंट यू नो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, बर्ड्स एक्सेट्रा. इफ यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, अर्थात रेंगने वाले जीवों का आप देख सकते हो, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस लाइक एनिमल्स हु कैन लिव बोथ ऑन लैंड और वाटर, जमीन और मैदान इलाकों में या पानी में रहने वाले जीव भी आप देख सकते हो, जैसे कि फ्रॉग है, जैसे कि सैलामेंडर है, जैसे कि टर्टल है, टर्टल है एक्सेट्रा. मैमल्स, मैमल्स द एनिमल्स हु बियर यंग वंस, जो जानवर बच्चे पैदा करते हैं, स्तनधारी जीव जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, मैमल्स भी आप देख सकते हो इंडिया में जंगलों में पाए जाते हैं. बर्ड्स, वी हैव सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स ऑल्सो. इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े की असंख्य प्रजातियाँ भी हमारे देश के जंगलों में पाई जाती है. एंड वॉर्म्स ऑल्सो, और इसके अलावा केचुए वगैरह है, या इस प्रकार के जो केचुए की प्रजाति के जीव वो भी पाए जाते हैं. नाउ इफ यू सी अमाउंट द एनिमल्स, आवर नेशनल एनिमल इज टाइगर, अर्थात जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय हमारा जानवर है वो है टाइगर यानी बाघ. एंड वी हैव ऑल्सो वराइटीज ऑफ अदर एनिमल्स लाइक एशियाटिक लायन, द माइटी एंड स्ट्रॉन्ग लायंस फाउंड इन गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, अर्थात जो एशियाई शेर है जो अपनी विशालता के लिए, अपनी तेज दहाड़ के लिए जाने जाते हैं पूरी दुनिया में, ये विशाल एशियाई शेर जिसे आप इमेज में भी देख सकते हो, ये पाए जाते हैं आपके गिर फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है. नाउ अदर एनिमल्स लाइक वॉट हॉर्न राइडोज, अगर बात करें गेंडे की, आपने यू कैन सी द इमेज ऑफ राइडो शेरस. अब इस गेंडे की इमेज को देखें, इसके नाक में जो सींग आपको दिखाई दे रहा है विच इज पॉइंट आउट, ये आपके असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पाए जाते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम वन हॉर्न राइडोज वी हैव स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स फाउंड इन असम एंड ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, इन साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, अर्थात दक्षिण भारत के इलाकों, चाहे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका वगैरह हो गया, यहाँ पर भी हाथियों की प्रजाति आप देख सकते हो. नाउ वी हैव वाइल्ड गोट्स, बियर्स एंड स्नो लेपर्ड्स स्पीसीज ऑफ एनिमल्स विच आर फाउंड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ हिमालयन रीजन, अर्थात हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ जीव हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं जंगली बकरियां हो गई, भेड़े हो गई, या जो स्नेह लेपर्ड्स हैं, बर्फीले तेंदुए हो गए जो बर्फीले इलाकों में रहते हैं, या भालू हो गए, ये पाए जाते हैं. नाउ अदर एनिमल्स लाइक मंकीज, वॉल्फ, जैकल्स, चीतल, नीलगाय एक्सेट्रा, दीज आर द एनिमल्स हु आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज फॉरेस्ट, अर्थात ये कुछ अन्य जानवर हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं. स्टूडेंट अपार्ट फ्रॉम एनिमल स्पीसीज वी हैव अ वास्ट
वराइटीज ऑफ बर्ड्स स्पीसीज ऑल्सो, अर्थात हमारे देश में जानवरों के अलावा एनिमल्स के अलावा भी बर्ड्स की बहुत सारी प्रजाति है। एंड अमंग देम वी कंसीडर पीकॉक एज आवर नेशनल बर्ड, और जिनमें से हम पीकॉक यानी मोर को अपना राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं। यू कैन सी द ब्यूटीफुल इमेज ऑफ अ पीकॉक ऑन द बोर्ड। नाउ अपार्ट फ्रॉम पीकॉक वी हैव अदर वैरायटीज ऑफ बर्ड्स लाइक पैरट्स, पिजन्स, मैना, बुलबुल, क्रोज, डॉग्स एक्सेट्रा। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास तोते की प्रजाति है, कबूतर है, मैना है, बुलबुल है, बतख, कौवे, इसके अलावा भी अन्य पक्षियों की प्रजातियाँ जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो ये हमारे देश के जंगलों में पाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट, यू नो वी हैव सेट अप सेवरल बर्ड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड्स फ्रॉम इलीगल हंटिंग और पोचिंग एंड आल्सो प्रोवाइड देम नेचुरल हैबिटेट, अर्थात हमारे देश में विभिन्न प्रकार के पक्षी अभयारण्य हैं जहाँ पर पक्षियों को नेचुरल सेल्टर प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पर वो नेचुरली फल फूल सके और उनकी संख्या में वृद्धि हो सके और नेचर का बैलेंस बना रहे। यू नो वी हैव आल्सो सेवरल वैरायटीज ऑफ स्नेक्स टू लाइक कोबरास, क्रैब्स विच आर वेरी पॉइजनस स्नेक्स, पाइथन्स, वाटर स्नेक्स एक्सेट्रा। ये कुछ सांपों की प्रजातियां हैं जो हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है। नाउ स्टूडेंट, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ड्यू टू द रेकलेस कटिंग ऑफ फॉरेस्ट विच आई मेंशन्ड इन प्रीवियस वीडियोस, वी कैन सी द डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, अर्थात जंगलों की बेहताशा और अपने लालच की पूर्ति के लिए जो जंगलों को हम काट रहे हैं, इससे क्या होता है कि वन जो जीव है वो लगातार समाप्त होते जा रहे हैं। दे बिकम आइदर इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट, अर्थात या तो ये लुप्त के करार पे चले गए हैं या ये विलुप्त हो गए, अर्थात इनकी प्रजाति समाप्त हो गई है। सो टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और बर्ड्स आवर गवर्नमेंट हैज बीन सेट अप मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मेनी नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट सच वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फ्रॉम हंटिंग और फ्रॉम इलीगल पोचिंग, अर्थात इन जानवरों को, इन वन्य जीवों को या पक्षियों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी पशु उद्यान, कई सारे वैसे विभिन्न प्राकृतिक क्षेत्र बनाए हैं जहाँ पर ये एनिमल जो है अपने नेचुरल कंडीशन में सर्वाइव कर सके। एंड स्टूडेंट, आवर गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रोटेक्ट सम ऑफ द एनिमल्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। स्टूडेंट, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम विच वॉज स्टार्टेड इन 1973 टू सेव टाइगर्स, अर्थात जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये भारत में लगातार जो बाघों की संख्या में कमी हो रही थी उसको बचाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। एंड यू नो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इन 1973 वेन द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, देयर वेयर ओनली 268 टाइगर्स वर लेफ्ट इन आवर कंट्री, अर्थात उस समय भारत में कुल 268 टाइगर यानी बाघ बचे हुए थे। सो टू सेव देम एंड टू इंक्रीज देयर नंबर प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टार्टेड एंड इट इज रिजल्टेड दैट नाउ वी हैव मोर देन 2900 टाइगर्स एट प्रेजेंट, जिसका परिणाम यह है कि आज वर्तमान में हमारे यहाँ 2900 से भी अधिक टाइगर्स हैं। एंड स्टूडेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ 75% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल
ये है कि पूरी दुनिया में टाइगर्स की संख्या के मामले में हमारे देश अकेले 75% टाइगर्स अपने यहाँ रखता है, अर्थात हमारे यहाँ 75% टाइगर पूरी दुनिया के पाए जाते हैं। नाउ अनदर प्रोजेक्ट दैट वाज स्टार्टेड इन 1992 दैट वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट। स्टूडेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज आल्सो स्टार्टेड फॉर द सेम काज लाइक प्रोजेक्ट टाइगर बिकॉज वेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड एट दैट टाइम वी हैड ओनली 15,000 एलिफेंट। अर्थात जब ये 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट हुआ तो हमारे देश में केवल 15,000 के आसपास हाथी बचे हुए थे जो कि अपने नेचुरली 40,000 के जो संख्या थी उससे कम थे। अर्थात दे वर हंटिंग इलीगली फॉर देयर टस्क, अर्थात इनको बड़े पैमाने पर मारा गया है इनके कीमती धाकी के लिए, इनके दांत बड़े महंगे होते हैं तो उनका अवैध शिकार किया गया। सो प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज स्टार्टेड एंड इट इज रिजल्टेड इन अ पॉजिटिव मैनर। नाउ वी हैव मोर देन 27,000 ऑफ एनिमल्स एट प्रेजेंट इन आवर कंट्री। तो वर्तमान में हमारे यहाँ 27,000 से भी अधिक हाथियों की प्रजाति है एंड विच इज 55% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स, जो दुनिया में पूरी हाथियों के अनुपात में 55% अकेले भारत में पाए जाते हैं। स्टूडेंट वी हैव आल्सो ऑर्गेनाइज मेनी प्रोग्राम्स लाइक वाइल्ड लाइफ वीक। स्टूडेंट वी आल्सो कंट्रीब्यूट टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिफ्यूज टू बाय थिंग्स फ्रॉम दोज हु सेल द थिंग्स मेड अप ऑफ एनिमल्स बोन्स हॉर्न्स फर फीडर्स स्किन्स एक्सेट्रा। अर्थात आप लोग भी अपने वन्य जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हो अगर आप इन जानवरों के शरीर के अंगों से, चाहे वो इनके हड्डियाँ हो, इनके दांत हो, इनके सींग हो, इनके चमड़े हो, इनके रोए हो या इनके पंख हो, अगर इनसे बनी हुई कोई चीज़ आपको कोई बेचने का प्रयास करता है तो आप उसे खरीदने से मना कर दें। अगर आप उसे खरीदेंगे नहीं तो वो लोग ये चीज़ बेचेंगे नहीं और इस प्रकार से जब ये चीज़ें बिकेंगे नहीं तो इन जानवरों का शिकार नहीं होगा और हमारा वन्य जीवन बना रहेगा। स्टूडेंट आवर गवर्नमेंट हैज आल्सो स्टार्टेड अ वाइल्ड लाइफ वीक विच इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ अक्टूबर इन द फर्स्ट वीक। अर्थात अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में हम वाइल्ड लाइफ वीक अर्थात वन्य जीवन सप्ताह के रूप में मनाते हैं एंड इट इज काइंड ऑफ सेलिब्रेशन टू अवेयर पीपल और टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल टू प्रोटेक्ट आवर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज एंड आवर एनिमल किंगडम। अर्थात ये प्रोग्राम इसलिए किया जाता है कि पूरे देश में जगह जगह पर ऐसे अभियान चलाए जाते हैं ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि हमें अपने जो वन्य जीवन है या जंगल में रहने वाले जीव हैं उनको हम रक्षा करें, उनको हम सुरक्षा प्रदान करें। स्टूडेंट यू कैन आल्सो हेल्प टू प्रमोट सच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड आल्सो सेव योर नेचर सेव योर वाइल्ड लाइफ एंड टू मेक आवर अर्थ नीट एंड क्लीन। सो इफ आवर नेचर विल बी हेल्थियर एब्सोल्युटली वी शैल आल्सो बी हेल्थियर। अर्थात अगर हमारा नेचर स्वस्थ रहेगा तो स्वाभाविक है हम भी स्वस्थ रहेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू एवरी वन टू ऑल ऑफ यू प्लीज प्रोटेक्ट योर नेचर प्रोटेक्ट योर वाइल्ड लाइफ। सो दैट इज द एंड ऑफ द लेसन। आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। इफ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क आवर कमेंट ऑन व्हाट्सएप नंबर। प्लीज स्टे सेफ स्टे हैप्पी। वेरी वेल।